Okay. Hello, students. And we are live again. And first of all, this is the first live session of this year. So, the first of all, a very happy new year from the entire Adda 24/7 bankers at the SSC at a seated at a team. A very, very, very happy new year. We really hope कि आपका ये साल जो है आपने जो भी कुछ सोचा है अपने लिए जो भी कुछ सोचा है whether it's related to job, it's related to career, it's related to any other thing, वो सब आप सबका पूरा हो. And before we start this session, am I audible properly? तो students, this is the first session and ये first session है हमारा आज का. Rather than saying इस साल का हमारा ये पहला session है. And I am too very excited for this session and we will be discussing, we will be ending our December current affairs. हम इसमें क्या करने वाले हैं जो सीरीज हमने पूरी स्टार्ट करी है पर द नेम ऑफ द डेली जीके अपडेट डिस्कशंस वी आर गोइंग टू एंड दिस विद दिस वीडियो. तो आई रियली होप कि इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से धीरे धीरे आप सब कनेक्ट हो जाए सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस सेशन ASAP. हम इस सेशन को स्टार्ट करें. एंड तो बताइए जब तक स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि वो हाउ वाज ऑल आप सबका न्यू ईयर कैसा रहा एंड कैसा रहा आपका इस साल का ये पहला दिन. कम ऑन शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन. कॉन्फ्रेंट शेयर दिस इन द कमेंट सेक्शन. Okay, we are going to start in a moment. We are going to start in a moment. Don't worry, students. We are going to start in a moment. I'm just making some last minutes important points so that we can start with the session. ओके हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन. हैप्पी न्यू ईयर चंदन जी. हैप्पी न्यू ईयर हरप्रीत. हैप्पी न्यू ईयर दीपांशु. यार मेरा कैसा रहा. मेरा थोड़ा सा आज का जो दिन था बिजी था बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन द दिसंबर 2017 हिंदू रिव्यू एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च इट इन अ मोमेंट. तो आई थिंक जैसे ही ये शो एंड होगा वी विल बी कमिंग ऑन विथ द दिसंबर हिंदू रिव्यू. तो ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन लोगों का एग्जाम है फॉर ऑफ IBPS क्लरिकल मेंस उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. और ऑब्वियसली जिन बच्चों का जिन जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है फॉर द सिंडिकेट बैंक उन सब का भी आज उन सब के लिए भी ये यूजफुल रहेगा. उन सब के लिए भी ये यूजफुल रहेगा. एंड बिफोर वी स्टार्ट द सेशन वन लास्ट पॉइंट जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि वी रियली होप कि आपने अब तक जो है आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लिया होगा. बट स्टिल अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो स्टिल यू आर मिसिंग आउट द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स. जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप मिस कर रहे हैं. प्लीज अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है टू टू हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपडेट आप उस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करें. एक पॉइंट आया है ऑफ धर्मेंद्र. हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न पर्सन. धर्मेंद्र व्हाट इज योर डाउट. आई एम कांट सी योर डाउट राइट नाउ. व्हाट इज योर डाउट. ओके तो दीपांशु. ओके दीपांशु जो क्लेरिकल मेंस विल बी कमिंग ऑन ऑन आइदर ऑन थर्ड
और ऑन फोर्थ, या तो वो 3 जान को रिलीज होगा या मैक्सिमम 4 जान को तो रिलीज हो ही जाएगा हमारा द इम्पोर्टेंट क्लेरिकल कैप्सूल फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन. सो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन टुडे सेशन. आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है वो ये है कि आप लोगों को किस तरीके से यू आर वर्किंग ऑन द पॉइंट्स और किस तरीके से हमें जीके करना है. एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिसंबर. तो अगर हम बात करें तो वी आर गोइंग टू एंड दिसंबर 2017. वैसे तो देखा जाए कल ही एंड हो गया है, बट वी आर इन ऑफिशियली वी आर गोइंग टू एंड विद अ डेली जीके अपडेट्स. वी आर गोइंग टू एंड दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन टुडेज डेली जीके अपडेट डिस्कशन ऑन 22nd, ऑन 29th, 30th एंड 31st दिसंबर. आई रियली होप कि आप लोगों ने इससे पुराने सेशंस भी आप लोगों ने फॉलो करे होंगे, बट अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं करे हैं तो उनके लिए आपको क्या करना है, कैन गो टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 एंड यू कैन सर्च दोस सेशंस देयर, और यू कैन सर्च द एफबी पेजेस ऑफ बैंकर्स एट एनएसएससी एडा, बिकॉज वी आर डूइंग दीज शोज ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन बोथ ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, तो लेट्स लेट्स बिगिन दिस सेशन. लेट्स बिगिन दिस सेशन द फर्स्ट वन. तो ये ऑब्वियसली ये आई थिंक सबको पता होगा, दिस इज नॉट अ न्यू करंट अफेयर्स, ये बहुत दिनों से चल रहा है एंड नाउ दिस इज बीइंग पास्ड बाय द लोकसभा. ये जो है इसको पास कर दिया गया है बाय लोकसभा. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. ट्रिपल तलाक बिल पास्ड इन लोकसभा. लोकसभा पास्ड. नाउ व्हाट इज द नेम? द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिजेस बिल 2017. एंड जिसमें क्या करा गया है, मेकिंग इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इलीगल विद अप टू 3 ईयर्स इन जेल फॉर द हस्बैंड. तो मतलब अगर कोई भी ट्रिपल तलाक देता है तो उसको क्या कर दिया गया है, सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर दिस कि उसको इलीगल कर दिया गया एंड दे हैव मेड दिस अ क्रिमिनल ऑफेंस. और इसकी वजह से जो मैक्सिमम जो जेल दी जाएगी दैट विल बी 3 ईयर्स. अब इस बिल को क्या कर दिया गया, द बिल वॉज पास बाय द मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद जी, और अब ये लोकसभा में पास हो चुका है. लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा और वंस राज्यसभा अप्रूव करेगा तो देन दैट विल बी प्रेसिडेंट जैसे ही साइन करेगा ये पर्टिकुलरली क्या बन जाएगा, दिस विल बी द लॉ. ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन सी द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ Of rights on marriages bill 2017 seeks to make the triple talaq in any of the form, in any of the form, whether it's in writing or by any other electronic means, as bad or illegal and void. Okay, I can clearly see students connect today. Yes, happy new year to everyone. Happy new year to everyone. Okay, clear? Itna point sabko clear hai? Let's move on to the next current affairs. थोड़ा सा क्विक रखेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ है हमारे पास इसमें जो आपको स्टडी करना है, कुछ ऐसा स्टफ है जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम सबको पता है कि दिसंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर क्लेरिकल मेंस एग्जामिनेशन. तो ऑटोमेटिकली ये करंट अफेयर्स का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं विच वी जस्ट डू क्योंकि हुआ है, बट दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. लेट्स बिगिन द सेकंड वन. इंडिया साइंस लोन अग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक फॉर यूपी टूरिज्म प्रोजेक्ट. स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे इस सेशंस में बहुत बार हम लोगों ने लोन्स एग्रीमेंट डिस्कस करे हैं. नाउ दिस इज अ डिफरेंट लोन एंड द पर्पस इज फॉर यूपी टूरिज्म प्रोजेक्ट. डिस्कस करते हैं एन एग्रीमेंट फॉर IBRD, दैट इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट क्रेडिट. कितना? $40 million फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर यूपी प्रो पावर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो मतलब $40 million का जो लोन दिया जाएगा वो क्यों लिया जाएगा, फॉर द यूपी प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. एंड दिस वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक. दिस वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक.
और ये जो इस लोन का जो ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी 5 ईयर्स. आई थिंक इसका ये वाला पॉइंट क्लियर है. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द टूरिज्म रिलेटेड बेनिफिट्स फॉर लोकल कम्युनिटीज इन सम ऑफ द टारगेटेड डेस्टिनेशन. सो बेसिकली यहाँ पे क्या पर्पस है, यूपी में टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए. ऑब्वियसली कोई भी अगर स्टेट होती है, कोई भी अगर सिटी होती है, वहां पे टूरिज्म अगर बढ़ता है तो उसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ उस स्टेट को नहीं, वहां के रहने वाले लोगों को भी होता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. वहां पे डेवलपमेंट भी होगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी विद डिफरेंट डिफरेंट मीन्स. तो इसका मेन पर्पस ये है कि टू इंक्रीज द टूरिज्म रिलेटेड बेनिफिट्स फॉर द लोकल कम्युनिटीज. और जो मेजर जो डेस्टिनेशन इसके अंदर कवर करी जाएंगी दोज ऑल आर हिस्टोरिक प्लेसेस, वेदर इट्स आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन इन द ब्रज रीजन. तो अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज 40 मिलियन $40 लोन किसके किसके बीच में, इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में फॉर द यूपी, फॉर द यूपी प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट. क्लियर सबको? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स. IBRD क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. एंड हु इज राइट नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो आंसर विल बी जिम योंग किम, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी USA. क्लियर सबको? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Amartya says a VVIP current affairs. The VVVIP current affairs for sure. Clerk means me question aega. Clerk means me question aega. Isme se main bata raha hu. Likh ke le lo. Question aega. Kyun? Small saving schemes interest rate cut by 20 base points. Matlab 0.2 se kya kara gaya? 0.2 percentage se kya kar diya gaya hai? सारे के सारे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है बाय द गवर्नमेंट उसको रिड्यूस कर दिया गया है. डिस्कस करते हैं. द गवर्नमेंट स्लैश्ड इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स सच एज NSE जिसको हम कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, PPF दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बाय 0.2 परसेंट पॉइंट फ्रॉम जनवरी टू मार्च पीरियड. मतलब जो अब जो नया जो हमारे सामने जो पॉइंट है, जो नया क्वार्टर जो शुरू होने वाला है या जो शुरू हो गया है, उसमें क्या कर दिया गया है, स्मॉल सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट डाउन करा गया है बाय 0.2%. तो इसमें एक जो पॉइंट कहा जा रहा है वो क्या है, जस्ट विल प्रॉम्प्ट बैंक्स टू लोअर द डिपॉजिट रेट. तो हो सकता है सिंस स्मॉल सेविंग्स में भी डिपॉजिट कम करे गए तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी वो बैंक्स भी क्या कर दे, लोअर कर दे डिपॉजिट रेट. ठीक है, अब हम सीधा आते हैं, बट एक पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट रेट ऑन Saving deposits have been retained at 4%. इससे कोई छेड़खानी नहीं करेगी, मतलब जो have been retained at 4% annually. अब अगर हम बात करें important point की कि अब वो current rates क्या हो गए हैं, तो what are the rates? Let's see. These are the important rates. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के थ्रू अब जो इंटरेस्ट रेट हो गया है वो 7.6% हो गया है. सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट हो गया वो 8.1% हो गया है. किसान विकास पत्र में हो गया 7.3%, PPF में हो गया 7.6%, सीनियर सिटीजन स्कीम्स में हो गया 8.3%, सेविंग डिपॉजिट में जैसे बोला गया है दे हैव केप्ट इट सेम, तो दिस इज सेम. एंड 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट कर दिया गया वो कर दिया गया 6.9%. तो दीज ऑल इंटरेस्ट रेट्स आर इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनेगा. एंड वी हैव गिवन दैट इन द हिंदू रिव्यू. तो स्टूडेंट्स हिंदू रिव्यू विल बी रिलीज्ड आफ्टर दिस सेशन और हो सकता है ड्यूरिंग दिस सेशन. कैप्सूल में ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, कैप्सूल वी आर प्लानिंग इट टू लॉन्च ऑन 3rd or 4th. एनी काम शुरू हो गया है बट सबसे पहला इंपॉर्टेंट था कि आपको दिसंबर का हिंदू रिव्यू देना, तो हिंदू रिव्यू हमने लॉन्च हिंदू रिव्यू कंप्लीट हो चुका है. अब मैं शेयर्ड दैट विद माय टीम एंड दे विल बी लॉन्चिंग इट एएसएपी और हो सकता है सेशन के दौरान ही हिंदू रिव्यू को हम रिलीज करते हैं. तो ये करंट अफेयर सबको क्लियर हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन बहुत ही सिंपल है, यू कैन क्लियरली सी. बैंक ऑफ बड़ौदा एंटर्स इनटू एन एमओयू विद
एग्री सर्विसेज लिमिटेड, तो एमओयू दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है, बॉब के बीच में हुआ है प्लस किसके बीच में हुआ है, पूर्ति एग्री सर्विसेज के बीच में हुआ है. द रीजन इट्स डिस्कस्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज एंटर्ड एन एमओयू विद पूर्ति एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पर्पस टू एनेबल फार्मर्स टू परचेज एग्रीकल्चर इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स एक्सेट्रा बाय प्रोवाइडेड बाय पूर्ति. तो मतलब बेसिकली इसमें बेसिकली जो लोन है वो जो एमओयू है ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, फार्मर्स को फंड्स प्रोवाइड करेगा सो दैट दे कैन परचेज इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स प्रोवाइडेड बाय पूर्ति. एंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नोन एज पूर्ति. तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि भाई पूर्ति है क्या, तो पूर्ति इज द ऑनलाइन ऑर्डरिंग, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नोन एज पूर्ति. तो मतलब अगर मुझे ऑनलाइन या इफ इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन परचेजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो दिस विल बी डन बाय पूर्ति. और कौन से बैंक के साथ उन्होंने टाई अप करा है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा. बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, कोई डाउट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, स्टैटिक फैक्ट्स. इफ यू टॉक अबाउट स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन होते हैं रवि वेंकटेशन और एमडी और सीईओ है पीएस जय कुमार. ठीक है, और इसकी टैगलाइन जो अनीश कर्माकर जी ने शेयर करी है हमारे साथ वो है इंडियास इंटरनेशनल बैंक. क्लियर सबको? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे बात करी जा रही है एनपीएस की. और इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद हाईएस्ट एनपीएस, इंडिया को जो रैंक दिया गया है वो दिया गया है फिफ्थ. तो आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया है. इंडिया हैज द हाइएस्ट लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज. ब्रिक्स की फुल फॉर्म सब कमेंट सेक्शन में शेयर करें. एंड इज रैंक्ड फिफ्थ on a list of countries with the highest level of NPAs as per the report by CARE Ratings. So, CARE Ratings ke according, India ka jo rank diya gaya hai in terms of NPA is fifth. Matlab panchve pe kaun se hai? India hai. Ab agar hum baat kare, the countries ranked higher than India are, the first par hai Greece, second par hai Italy, third par hai Portugal, and fourth par hai Ireland. तो ऑटोमेटिकली फिफ्थ पर कौन आ गया? फिफ्थ पर आ गया इंडिया. बताओ क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सबको आई थिंक दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो एज पर द केयर रेटिंग्स, इंडिया इज हैविंग द फिफ्थ हाईएस्ट लेवल ऑफ एनपीएस एंड द लिस्ट इज टॉप बाय ग्रीस. अब बाय चांस कोई आपसे पूछने लगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIIGS और पीक्स, which is Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain. तो देखा जाए out of all the PIGS countries, सिर्फ Spain is the country which is ranked lower than India. ठीक है सबको, let's move on to the next one. Simple है, it's a keen मिलिट्री एक्सरसाइज. नाम है इसका एकोविरन. तो क्वेश्चन क्या आएगा, एकोविरन जो है वो किस किस के बीच में होती है, तो आंसर क्लियरली दिख जाएगा इंडिया और मालदीव्स. न्यूज क्या है, ये है कि न्यूज अभी ये खत्म हुई है. द 2 week लॉन्ग 8th एडिशन ऑफ इंडो मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एकोविरन केम टू एन एंड. तो इस बार ये कंडक्ट कहां पर हुई, बेलागवी कर्नाटका. मतलब इस बार कहां पर हुई है ये, इंडिया में हुई है बेलागवी कर्नाटका. एंड व्हाट इज इकोवरन मींस, इट मींस फ्रेंड्स इन मालदीव, मालदीवियन लैंग्वेज. ठीक है, इट्स एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्टैटिक फैक्ट्स. इंडियन आर्मी की जो करंट चीफ है वो है बिपिन रावत जी. मालदीव्स का कैपिटल है मील और करेंसी है मालदीवियन रुफिया.
क्लियर सबको? तो दोनों स्टैटिक पॉइंट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्रिंस हैरी नेम्ड एज द एशियन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन कंजर्वेशन ग्रुप। तो क्लियरली इट्स एन अपॉइंटमेंट करंट अफेयर, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है कि वो हैज बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन कंजर्वेशन ग्रुप। तो माय आंसर विल बी प्रिंस हैरी। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। प्रिंस हैरी हैज बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन पार्क्स अ कंजर्वेशन ग्रुप दैट मैनेजेस अ डजन वाइल्ड लाइफ एरियाज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। तो आई थिंक ये तो सबको क्लियर होगा, पक्का? तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन पार्क्स? तो माय आंसर विल बी प्रिंस हैरी। स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, वी विल बी कमिंग आउट विद अ क्विज सेशन फॉर द क्लर्क मेंस विद अ डिफरेंट शो ऑफ जनवरी करंट अफेयर्स। तो जनवरी करंट अफेयर्स का हम इसी तरीके से शो रखेंगे, बट वी आर कमिंग विद अ क्विज सेशन, अ शॉर्ट क्विज सेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो गेट प्रिपेयर फॉर दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स। सेबी कैप्स द क्रॉस शेयर होल्डिंग इन रेटिंग एजेंसीज एट 10%। तो अब क्रॉस, सबसे पहले तो क्रॉस शेयर होल्डिंग का मतलब क्या होता है, या क्रॉस होल्डिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्रॉस होल्डिंग बेसिकली क्या होता है? इट्स अ सिचुएशन जहां पे एक कंपनी क्या करती है, स्टॉक ओन करती है ऑफ अनदर कंपनी। मतलब अगर ए कंपनी है वो क्या करेगी, लेट्स से दे आर हैविंग 20% शेयर ऑफ बी कंपनी, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस होल्डिंग। मतलब अपनी खुद की भी कंपनी है बट इसने दूसरी कंपनी का भी कुछ शेयर होल्डिंग रखी हुई है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है कि सेबी ने क्या बोला है कि अगर एक कंपनी है जो कि क्रॉस होल्डिंग करती है इन रेटिंग एजेंसीज, तो वो मैक्सिमम कितना कर सकती है, 10%। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर SBI है, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर SBI है वो कह रही है कि मुझे इकरा, एक रेटिंग एजेंसी होती है इंडिया की, उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन डू मैक्सिमम ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट। क्लियर सबको? डिस्कस करते हैं। सेबी स्टेटेड दैट क्रॉस होल्डिंग इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विल बी कैप्ड एट 10%, एंड दे हैव आल्सो डिसाइडेड टू रेज अ मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट टू ₹25 करोड़ फ्रॉम द करंट 5 करोड़। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कम से कम आपकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो अब 25 करोड़ होनी चाहिए, जो कि पहले कितनी रिक्वायरमेंट थी, 5 करोड़। बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द क्रॉस होल्डिंग लिमिट इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दैट इज रिसेंटली डन बाय सेबी? तो माय आंसर विल बी 10%। क्लियर सबको? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी है, हेडक्वार्टर मुंबई होता है, सेबी की फुल फॉर्म होती है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो न्यूज में है, इसलिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। प्लूटो एक्सचेंज लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट बिटकॉइन ट्रेडिंग ऐप। प्लूटो एक्सचेंज जो कि क्या है, द डीलर ऑफ क्रिप्टो करेंसी डीलर, प्लूटो एक्सचेंज ने लॉन्च करा इंडिया का पहला मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ट्रांजैक्टिंग इन वर्चुअल करेंसीज। एंड व्हाट इज द नेम? तो किसने लॉन्च करा है इंडिया का पहला बिटकॉइन ट्रेडिंग ऐप? तो माय आंसर हियर विल बी प्लूटो एक्सचेंज। एंड व्हाट इज द नेम? द प्लूटो एक्सचेंज मोबाइल ऐप ऑफर्स अ सॉल्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बिटवीन पेमेंट प्रोसेसर्स, फाइनेंशियल गेटवेज एंड बैंक्स। तो किस कंपनी ने या किसने लॉन्च करा इंडिया का पहला बिटकॉइन ट्रेडिंग ऐप? माय आंसर विल बी प्लूटो एक्सचेंज। और प्लूटो एक्सचेंज की अगर हम बात करें, द फाउंडर और राइट नाउ चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? तो ध्यान रख लो यार, इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। इट इज भारत वर्मा। भारत वर्मा, क्लियर सबको? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स, वन ऑफ द सेशन हमने डिस्कस करा था
in one of the session what we discussed that सऊदी अरेबिया में क्या होने वाला है, एक चेस टूर्नामेंट होने वाला है, उसका नाम था वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट टाइटल सऊदी अरेबिया। अब उसको जीता किसने? यू कैन क्लियरली सी द इमेज ऑफ विश्वनाथन आनंद जी, इंडिया एस चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद वन द रैपिड चेस टूर्नामेंट टाइटल इन सऊदी अरेबिया बाय बीटिंग रशिया के व्लादिमिर फेदोसिफ। तो हु इज द विनर? इंडिया के विश्वनाथन आनंद, और उन्होंने किसको हराया? व्लादिमिर फेदोसिफ को हराया। कौन सा टूर्नामेंट है? वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट। अब ये तो हुआ मेल्स की बात। इफ यू टॉक अबाउट द वुमेन्स की बात, तो द वुमेन टाइटल वॉज वन बाय चाइनास जू बिंज। द वुमेन्स टाइटल इज वन बाय चाइनास जू बिंज। तो मेल जीता विश्वनाथन आनंद ने, या मेन्स नहीं जीता विश्वनाथन आनंद जी ने, एंड एंड द वुमेन्स जीता चाइना की जू बिंज। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और करेंसी है रियाल। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, एंड इट्स रिलेटेड टू अ मीटिंग, बायलेटरल मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जॉर्डन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि कहां पर हुई, वेयर इज द bilateral meeting between the external affairs of India and Jordan held? To my answer will be New Delhi। Discuss करते हैं इसको थोड़ा सा और। External affairs minister India की सुषमा स्वराज and her Jordanian counterpart Ayam Al Safadi। तो for sure ये obviously India की visit पर होंगे, तो ये नाम अपने आप में important है। The foreign minister of या external affairs minister of Jordan Ayam Al Safadi, they held a bilateral meet in New Delhi, obviously purpose is to discuss many ties across multiple sectors। और after the discussion जो important points है, Mr. Safadi discussed steps to set up a robust agenda for deepening and diversifying areas of cooperation in the field of trade and investment, defence and security, and people-to-people contact। तो किन एरिया से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करे गए? इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। क्लियर? तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड जॉर्डन फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मीट। किंग ऑफ जॉर्डन कौन है? डू रिमेंबर दिस? अब्दुल्ला सेकेंड। एंड उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जॉर्डन की कैपिटल है अमान और करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। क्लियर सबको? स्टूडेंट्स जैसा भी सेशन आपको लगे, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, प्लीज शेयर दैट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और इवन जो लोग इसको आगे यूट्यूब पे लाइव करेंगे, टू डू शेयर विद योर स्टूडेंट्स, एंड एंड प्लीज प्लीज जो भी फीडबैक है यार देना, सो दैट, क्योंकि नया साल है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव। तो कोई इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज डू डू लेट अस नो। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। 78th सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस इन हिस्ट्री कांग्रेस कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। द 3-day 78th सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हेल्ड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। जब हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का सीएम आप सबको पता है ममता बनर्जी ही है, और गवर्न है केशरी नाथ त्रिपाठी। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। निर्मला सीतारमण जो कि राइट नाउ डिफेंस मिनिस्टर, ने लॉन्च करा द स्टार्टअप इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मतलब डेवलपमेंट सेंटर। तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करा द डिफेंस मिनिस्टर ने, कहां पे? इन मैंगलोर स्टेट है कर्नाटका, स्टेट है कर्नाटका। निर्मला सीतारमण लॉन्च अ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर कॉल्ड, सेंटर का नाम क्या है? द सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग। कहां पर? इन कर्नाटका। तो वेयर इज द सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर? तो माय आंसर विल बी मेंगलुरु कर्नाटका। क्लियर? कोई डाउट?
एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, शी रिप्रेजेंट्स कर्नाटका एज एन एमपी इन राज्यसभा. तो देखा जाए ये राज्यसभा की सदस्य है एंड शी इज फ्रॉम रिप्रेजेंट्स कर्नाटका एज एन एमपी. क्लियर सबको? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. और पहली बता दो, केकेआर सुन के कोलकाता नाइट राइडर्स मत समझ जाना, इट्स अ यूएस कंपनी. केकेआर गेट्स आरबीआई नॉट टू स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट फॉरेन ओन्ड एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इंपॉर्टेंट है. द यूएस बाइंड जाइंट केकेआर एंड कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर टू फुली ओन एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया एज इट रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल. पहली फॉरेन ओन्ड एआरसी कंपनी कौन सी कंपनी की होने वाली है? केकेआर एंड कंपनी. क्लियर सबको? स्टूडेंट्स एआरसी का मेनली पर्पस क्या होता है? एआरसी का पर्पस होता है टू रिड्यूस एनपीएस. और वो कैसे रिड्यूस करते हैं? बाय बाइंग द एनपीएस. और उनको देन वो क्या करते हैं? फिर उनको रिकवर करते हैं. तो दे बाय एनपीएस फ्रॉम बैंक्स एंड देन दे रिकवर, दे गेट इट रिकवर्ड देमसेल्व्स. और जो भी दे बाय द एनपीएस एट अ लोअर प्राइसेस और फुल प्राइसेस पर दे ट्राई टू रिकवर, और जो भी इनका प्रॉफिट होगा दैट विल बी द बैलेंस. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है? पॉइंट ये है कि द फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर और द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू हैव ओन एन एआरसी इन इंडिया इज केकेआर एंड कंपनी. सबको यक्षिण कोई दिक्कत नहीं, इफ यू आर लेट यू विल यू यू कैन वॉच दिस सेशन ऑन यूट्यूब ऑल्सो. हम इसको अपलोड कर देंगे, मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी. तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन एंड एंड मार्क इज एट एज एज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट्स रिलेटेड टू एन अपॉइंटमेंट. फॉर्मर फुटबॉल स्टार जॉल्ड विया हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लिबिया. तो लिबिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जॉर्ज विया. और इन्होंने रिप्लेस करा है किसको? रिप्लेस करा है एलन जॉनसन सर्लीफ. इन्होंने रिप्लेस करा है किसको? एलन जॉनसन सर्लीफ. पीडीएफ यार इसका वी विल बी शेयरिंग दैट दिस पीडीएफ ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ bankadatta.com. टू यू कैन ज्वाइन दैट चैनल और हम वहां पे आपको प्रोवाइड करा देंगे. तो लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जॉर्ज बिया. लाइबेरिया का कैपिटल है मोनरोविया और करेंसी है दी लाइबेरियन डॉलर. करेंसी है दी लाइबेरियन डॉलर. क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि हम सबको पता है कि इस वक्त बैंक्स जो है बैंक्स में थोड़ा सा एनपीए इंक्रीज हुआ है, थोड़ा नहीं वैसे काफी एनपीए इंक्रीज हुआ है. तो इसलिए अब जो गवर्नमेंट है हमारी वो क्या करिए, दे आर गिविंग मनी टू द बैंक्स सो दैट दे कैन कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव सिचुएशंस. जिसको हम कहते हैं इन्फ्यूजन, कैपिटल इन्फ्यूजन. तो कुछ दो करंट अफेयर हमारे सामने आएंगे जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग द अमाउंट. तो इंपॉर्टेंट है द अमाउंट. सबसे पहला, पब्लिक सेक्टर आईडीआई बैंक हैज रिसीव्ड कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ रुपीज 2729 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कितना कैपिटल? 2729 करोड़. किसकी तरफ से? फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लियर सबको? तो आईडीबीआई को कितना अमाउंट दिया गया? 2729. आईडीबीआई के बारे में जल्दी से डिटेलिंग पढ़ते हैं. आईडीबीआई के एमडी और सीईओ महेश कुमार जैन और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में. क्लियर? वन लाइनर है, जल्दी से इसको स्टडी करेंगे. विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन जेनम रिसर्च प्रोजेक्ट? किस कंट्री ने लॉन्च करा है वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन जेनम रिसर्च प्रोजेक्ट? माई आंसर विल बी चाइना. द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन जेनम रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ 1 लाख पीपल वॉज लॉन्च बाय चाइना, जिसका मेन पर्पज क्या है? टू डॉक्यूमेंट और टू स्टडी देयर जेनेटिक मेकअप फॉर अ स्टडी दैट एम्स टू जनरेट द प्रिसीजन मेडिसिंस ऑफ द फ्यूचर. बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस है इज टू डिटेक्ट द जेनेटिक लिंक्स बिटवीन द हेल्थ एंड सिकनेस, और उसके हिसाब से क्या करा जाएगा, मेडिसिंस को डेवलप करा जाएगा. तो दिस द लार्जेस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट
ह्यूमन जेनम रिसर्च प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय, अभी स्टार्ट करा है, इट्स नॉट बीन कंप्लीटेड, स्टार्टेड बाय चाइना. क्लियर? चाइना के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबको पता होना चाहिए. चाइना का कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. Mark this as very important. India is hosting the ASEAN leaders this time on its Republic Day 2018. मतलब 26 जन में जो हमेशा हम क्वेश्चन पढ़ते थे कि कौन इस बार चीफ गेस्ट होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2018 वुड बी रिमेंबर्ड थ्रू एजेस बिकॉज द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री वुड बी होस्टेड 10 लीडर्स ऑफ एशियन कंट्रीज as chief guest on 26 January 2018. तो एशियन ग्रुप, पूरा का पूरा एशियन ग्रुप आने वाला है. सारे के सारे एशियन लीडर्स आने वाले हैं इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे. तभी प्रधान मोदी जी ने बोला है कि ये तो है एजिस तक लोगों को याद रहेगा. ओके, क्लियर सबको? तो विच ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स आर कमिंग? तो एशियन लीडर्स आर कमिंग. क्लियर? Let's move on to the next one. अभी हमने IDBI के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की. कैपिटल इन्फ्यूजन के तौर पे बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, कितना दिया गया है? 227 करोड़. बस यही आपको पढ़ना है, 227 करोड़ दिए गए हैं बैंक ऑफ इंडिया को. क्लियर सबको? कोई डाउट स्टूडेंट? Okay, now let's come out to the last current affairs. Let's come out to the last one. Now, today's last current affairs. Allahabad Bank ne kya kara? Agreement sign kara. Allahabad Bank has entered an agreement with state-run NESL, that is the National E-Governance Services Limited. Iska main purpose kya hai? For utilizing the bank's information utility under the IBB, yeah, that is the Insolvency and Bankruptcy Code. So, Allahabad Bank ne aur NESL ne ek agreement sign kara hai, jiske through Allahabad Bank's ki jo hai, they will be taking the information for utilizing the information's utility services given by NESL under the Insolvency and Bankruptcy Code. And what is NESL? Agar hum NESL ki baat kare, to NESL owned by the government is the first information utility entity registered by the Insolvency and Bankruptcy Board of India Regulation Act 2017. So, Allahabad Bank kya karegi? Allahabad Bank will be taking the utility services of NESL, and the purpose is for the important database and for obviously indirectly to remove the NPAs. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस वॉज द लास्ट वन. अलाहाबाद बैंक गोवा में आते हैं, तो आई थिंक आप सबको पता होगा कोलकाता यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक और अलाहाबाद बैंक. तो कैपिटल इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में. और एस रमन है इसके इस वक्त, एस रमन है एमडी एंड सीईओ ऑफ एनएसएल, ध्यान रखिएगा. क्लियर? तो स्टूडेंट्स दिस वॉज टूडे सेशन. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. एंड from tomorrow onwards we will be coming out with quiz and the January show. So on this note, I Gopal Anand signs off now. Thank you.